देखो मुंह देखो पांडा की तरह मुंह देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का सुबह ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट होता है। हम लोग थोड़ा बहुत काम करके ब्रेकफास्ट बना के फिर बैठ गए हैं आप सभी के साथ बात करने के लिए और खाने के लिए भी। तो चलो ब्रेकफास्ट में क्या है दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट में इधर है रोटी और इधर है आलू और सोयाबीन का सब्जी। तो यही से आज होगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो आ गया आज हमारा ये पार्सल। तो ये पार्सल के अंदर क्या है देखते हैं। चलो क्या है, चलो चलो अनबॉक्सिंग करो। आज बाबा ने करेगा अनबॉक्सिंग। चलो कितने दिन पहले ऑर्डर दिया है, आज जाके आया है। तो इसके अंदर क्या है बताओ। क्या है क्या है, चलो पहले अनबॉक्सिंग तो करो फिर पता चलेगा क्या है। से करे यार। यस JBL, JBL लिखा है। हो देखो तो ये आ गया हमारा मिनी बूस्ट मेटल स्पीकर। स्पीकर हम लोगों ने ऑर्डर दिया था स्पीकर। देखो ये वाला कलर ही आया है। ये वाला तुम्हें पसंद नहीं था ना। नहीं था ये वाला कलर, लेकिन ठीक है कलर से हम क्या करेंगे, हम लोगों को साउंड से काम है। नहीं कलर भी मैटर करता है। नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है खराब। देखो छोटा, क्योंकि हम लोग उस दिन नाच का डांस का शूट करने गए थे और स्पीकर भूल के आए थे, तो इसलिए ये वाला स्पीकर हम लोग ऑर्डर किया है। हाँ आप लोगों को एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने जब डांस वीडियो शूट करते हैं तो एक दिन ऐसे करते करते हमारा जो स्पीकर था बड़ा वाला वो लोगों ने उधर ही गलती से रख के चले आए थे। फिर क्या हम लोगों को तो जरूरत है ये स्पीकर का, तो हम लोगों ने ऑनलाइन से ये ऑर्डर कर दिया था। तो आ गया, चलो अभी इसको टेस्ट करते कि इसका साउंड अच्छा है या क्या है। ये हम चेक कर लिया है और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इतना छोटा है लेकिन बहुत जोर से आवाज होता है। मतलब सोचा नहीं था कि इतना जोर से आवाज होगा। पहले सोचा था कि ये छोटा वाला है ज़्यादा अच्छा होगा या नहीं। तो हम लोगों ने रिव्यूज़ भी देखा और पहले भी हम लोगों ने सुना इसका साउंड, पास वाले एक भैया के घर पे भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये छोटा वाला ही ले लेते हैं। फिर ये हम लोगों ने ले लिया और लेके एकदम सेटिस्फाइड है, अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है और बैटरी चार्जिंग भी लिखा है जो वो भी अच्छा है, देखेंगे कि चार्ज कितना जाता है। तो इसका प्राइस लिया है 300 समथिंग। तो बहुत ही अच्छा। तो होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो छोटा दिखने में है लेकिन साउंड में एकदम धमाका है। तो चलो और क्या, अभी मैं चलती हूँ नहा के काम करके फिर आती हूँ। मेरा आज जल्दी जल्दी नहाना हो गया एकदम। मैं नहा के एकदम फ्रेश होके तैयार हूँ और गुटू का अभी कुछ भी नहीं हुआ है, खाना पका रहा है गुटू अभी भी। तो तुम्हारा सिर्फ नहाना हो गया, कोई काम नहीं किया। ओहो काम नहीं किया, कपड़े धोया। सिर्फ कपड़े धोया, फिर भी सब कपड़े नहीं है, फिर भी कपड़े हैं, मैं धोऊंगी वो। और सिर्फ जो सादा सादा कपड़ा था या ज्यादा गंदा नहीं था वो कपड़े धोया, और ज्यादा गंदा तो फ्रेंड्स अभी 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 कुछ भी नहीं है। अभी मैं छत पे भी गया था थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। छत से मैं आके अभी कपड़े सब कुछ सुखा दे के आके फिर मैं इधर फोन में काम कर रहा था और गुटू खाना पकाता पकाते देखो मेरे पास आके देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहा हूँ, आई बाबन का होगा एडिटिंग, बाबन का माथे पे बहुत प्रेशर है एडिटिंग का। तो अभी चल रहा है एडिटिंग, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, गुटू भी खाना वाना पका लेते। आ गया हमारा ग्रोसरी जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। तो चलो बहुत भारी है, नहा के एकदम तैयार हो चुकी हूँ मैं, मेरा पूजा भी देना हो गया है। तो गुटू का भी काम कम्प्लीट हो चुका है, मेरा काम कम्प्लीट नहीं हो चुका है, फिर एडिटिंग करना पड़ेगा। सोच रहे हो इतना ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है। तो देखो एकदम तैयार होके एकदम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज है संडे। संडे मतलब कुछ तो स्पेशल होने ही वाला है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलो बताएंगे। पहले निकलते हैं घर से, तो चलो बस से उतर के अभी जा रहे हैं पैदल। और गुटू का देखो पापा ने कॉल कर रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा काम। तो वो काम तो बहुत दिन से ही
अभी कुछ दिन उसके लिए हम लोग भाग दौड़ करते जा रहे हैं, तो चलो अभी चलते हैं जिधर जा रहे हैं। देखो हम जिधर काम के लिए आए थे उधर अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, और लंच के लिए सारे के सारे देखो इतना सारा आइटम्स बने थे, तो चलो अभी ये खा लेते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा। घर पे आके भवन का एक योगा क्लास था, फिर देखो बताओ। कुछ भी नहीं बताएंगे, अभी मैं काम कर रही हूँ, देखो इधर बिस्तर पे बैठ के मैं काम कर रही हूँ। वही तो बिस्तर पे बैठ के क्योंकि अभी उसका योगा क्लास था, योगा क्लास करवाने के बाद वो बिस्तर पे आके बैठा और मैंने बोला चाउमीन बनाएंगे, मैंने नहीं उसने ही बोला चाउमीन बना के दो मैं खाऊंगी आज, तो देखो इधर सब मैं तैयार करके दी हूँ, तो ये अभी कटिंग कर रहा है बिस्तर में बैठ बैठ के। मैं कटिंग किया हूँ। अच्छा वो भी बिस्तर में बैठ के, वो बता तो क्या कर तो रही हो काम। अच्छा तेरा ना काम भी करो और मार भी खाओ, ऐसे ही होता है इंसान। चलो ठीक है तो जल्दी जल्दी काट के दे बाबा ने, फिर हम जल्दी जल्दी घुटू मुझे चाउमीन बना के खिलाएगा, क्योंकि योगा क्लास करने के बाद इतना ज्यादा भूख लगता है सच में। ऐसे तो मुझे हर वक्त ही भूख लगता है लेकिन योगा क्लास के बाद और भी ज्यादा भूख लगता है, तो इसलिए मैं बोला कि चलो मैं हेल्प कर देती हूँ तो तुम बना दो प्लीज। वो बोल रहा था कि चाय और मूढ़ी मांग के दे तो वही खाते हैं, मैंने बोला नहीं नहीं कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए अभी शाम को बनेगा चाउमीन। देखो इसका मुंह देखो पांडा की तरह मुंह देखो। चलो काम करने दो अभी। ठीक है काम कर लो फिर मैं बना के देती हूँ। ठीक है बन गया है, देखो चाउमीन बहुत टेस्टी बना है, देख के लग रहा है, देखो चारों तरफ एकदम सब्जी एकदम सब कुछ देके बनाया, और मैंने बनाया चाउमीन। तो अभी बाबा टेस्ट करके बताएगा कैसा हुआ है, मुझे पता है अच्छा हुआ है, फिर भी बाबा टेस्ट करेगा और बोलेगा कैसा हुआ है। तो चलो टेस्ट करो, अच्छा होता है ना। ठीक है रहने दो रुको मैं आती हूँ, मैं भी खाऊंगी, तुम भी खा लो। देखो मैडम जी इतना सज संवर के क्यों बैठे हो, आटा गूंद रहे हो, आटा गूंद रहे हो लेकिन इतना सज के क्यों, वो तो तुम बोलोगे। देखो हालत देखो मैडम जी का, आटा गूंद रहा है अभी और इतना सज संवर के, वो भी बताओ। क्योंकि मैं इतनी देर तक रील्स कर रही थी और बाबा ने थोड़ा रील्स करने के बाद फोन पे थोड़ा काम था वो करते करते मैंने सोचा मैं आटा गूंद के रेडी कर लूँ, रात को डिनर भी बनाना है तो वो लेट हो जाएगा नहीं तो, इसलिए मैं जल्दी आके आटा गूंद रही हूँ। अब फिर से रील करेंगे हम, उसके बाद जाके रोटी बनाएंगे, उसके बाद होगा डिनर। सोचो इतना सज संवर के भी मैडम जी को रोटी बनाना पड़ रहा है अभी। हाँ बिल्कुल नहीं सजा है, ठीक है थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है और कुछ भी नहीं किया, बाल तो ऐसा ही रहता है और थोड़ा ही ड्रेस पहन लिया बस। अच्छा चलो ठीक है मेरा काम हो गया, चलो फिर से रील्स बना। हाँ मेरा आटा गूंदना भी हो गया, अब मैं रख दूंगी उसके बाद। चलो चलो हो गया हमारा रात का डिनर और अभी बहुत थके हैं क्योंकि इतना सारे रील्स करके फिर वो एडिट करके छोड़ के फिर अभी जाके खा के फ्री टाइम मिला है अभी, और रात को हम सिर्फ एक एक करके रोटी खाए क्योंकि हाँ चाउमीन खाया ना पेट पूरा एकदम भरती है और इसलिए, लेकिन रात को नहीं खाएंगे तो फिर गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए रात को एक एक करके रोटी खाए। तो बाबा ने बोला था मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बोला नहीं एक रोटी खा लो, एक रोटी खा के रोटी और सब्जी खाया वो भी, और मैं भी एक रोटी और सब्जी खाया तो, और अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा दिन काम करते रहो फिर ऐसे। बाबा तो फ़ोन पे लगे रहते हैं एडिटिंग में, फिर उसका योगा क्लास है, मेरा जुम्बा क्लास है, तो इतना ना नहीं हो पाता है सच में अच्छा नहीं लगता पूरा दिन। बोलो तुम कुछ बोलो और क्या बोलेंगे, आज का दिन तो अच्छा गया, मस्त गया, सब कुछ मिला के हर दिन मस्ती जाता है हम लोगों का, और क्या बताएं। चलो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग या इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना खुश रहना। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।